Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah, oh my god, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding. And all of my friends. तो चलिए आज आपको मैं वॉइस ओवर देता हूँ और बाइसेप का एक टिप देता हूँ. एक टिप नहीं, वैसे मैं आपको दो टिप्स देना चाहता हूँ, बट उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड लाइक कर दो. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से दो यार, मैं आपके लिए रोज़ कंटेंट बना रहा हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे. एंड मुझे आपको देने थे कुछ बाइसेप्स के टिप्स जो मैंने अप्लाई करे हैं ड्यूरिंग माई ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग. तो अभी अगर आप देख रहे हो, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे स्पाइडर गर्ल्स एक्सटेंडेड सेट है, थर्ड या फोर्थ सेट है आई गेस. तो अगर आप देखोगे, मैं एक तो फैट ग्रिप यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मेरी फोर आर्म स्ट्रेंथ भी बनी रहे यहाँ पे, ठीक है. एंड अगर आप देखोगे, मैं अपने पार्टनर को बोला है कि मेरे को ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट करवा, ठीक है, और स्क्वीज़ करवा. सो अभी मैं कर रहा हूँ ड्रॉप सेट. वो आप क्या कर सकते हो, हमेशा एक या दो एक्सरसाइजेस ऐसी चूज़ कर सकते हो जिसमें आप ड्रॉप सेट लगाओ, मतलब कि आपको वेट जो है वो ड्रॉप करना है आफ्टर योर फेलियर 6 to 8 रेप्स के बाद फॉर योर अपर बॉडी. तो अभी मैं यहाँ पे ड्रॉप सेट कर रहा हूँ, ठीक है. अगर आप देखोगे, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ऊपर ऑल द वे और मेरा पार्टनर पूरा स्क्वीज़ करवा रहा है इसको. तो 2 to 2.5 मिनट का सेट है ये, तो इसको पूरा देखना आप. तो अभी वो स्क्वीज़ करवा रहा है सेट को, और जब भी वो स्क्वीज़ करवा रहा है उसको जो नेगेटिव पार्ट है, मैंने उसको बोला वो भी मेरा कंट्रोल कर, बिकॉज आई एम टोटली टायर्ड. यहाँ पर पूरा फेलियर आ चुका है. एंड ये है मेरा लास्ट ड्रॉप. तो अभी हमने चूज़ करा है इसको हेड के ऊपर लेके जाने के लिए. ये भी स्पाइडर गर्ल का वेरिएशन है जो कि बहुत ही इंटेंस है, जिसमें आपका पीक वर्क बहुत अच्छा करता है. जिनकी पीक लैग करती है वो ये वाला सेट कर सकते हैं. तो इसमें मैं बार को अपने सिर के ऊपर तक लेके जाऊंगा, ताकि जो कंट्रैक्शन है पूरी मेरे पीक पे आए. इफ़ यू कैन सी यहाँ पे ऊपर, तो मैंने पार्टनर को बोला है मेरे को जितना ऊपर लेके जा सकता है वो ऊपर लेके जाए, स्क्वीज़ करवाए, और मैं वापसी उसको कंट्रोल करके लेके आऊँ. तो मेरा लास्ट ड्रॉप सेट है, टिल फेलियर लगाऊंगा इसको मैं. तो दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर बाइसेप्स, जिसके मैंने 4 सेट लगाए हैं, 4th सेट था ड्रॉप सेट, ठीक है. और अब हमने करा है स्ट्रेट बार कर्ल, जिसमें हम बैक टू बैक बिना रुके एक दूसरे को रॉड पास ऑन करेंगे, जिसमें रेस्ट पीरियड बिल्कुल भी नहीं है, और 8 to 10 reps लगाएंगे. स्ट्रेट बार जो स्क्वाट रैक वाली बार होती है, हम स्क्वाट रैक में यहाँ पे बाइसेप कर्ल कर रहे हैं. सो इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इसमें मैं सेट लगाऊंगा और फिर मैं अपने पार्टनर को पास करूंगा बार बैक टू बैक. जितना ज़्यादा आप ब्लड लेके आओगे अपने बाइसेप में, उतना ही वो जल्दी ग्रो करेगा. हमने इसके 4 sets लगाए थे, और आप बिलीव नहीं करोगे, आई नेवर हैड दिस मच क्रेजी पंप इन माय लाइफ. तो इसमें आपको एक पार्टनर चाहिए जो आपको एवरी टाइम मोटिवेट करे, एटलीस्ट आपका फेलियर जो है वो अबव तक लेके जाए, फेलियर से आगे. अगर आपका 8 reps में फेलियर आता है, तो आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि आपको वो 10 reps लगवाए, आपकी बस हो चुकी हो, ठीक है. तो हमने इसके 4 sets करे हैं बैक टू बैक. और एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ लड़के लैक करते हैं अपनी बाइसेप ट्रेनिंग में, वो ये है कि वो फोरआर्म की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं. अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे रिवर्स कर्ल कर रहा हूँ फॉर माई फोरआर्म्स एंड ब्रेकियलिस डेवलपमेंट, जिससे कि बहुत अच्छी गर्थ आती है आपकी फोरआर्म में, और जो आपका बाइसेप साइज है वो बहुत बड़ा लगता है, बहुत इंटेंस लगता है और डेंस लगता है. तो आप फोरआर्म की स्ट्रेंथ के लिए और गर्थ के लिए, आर्म की गर्थ के लिए, प्लीज़ रिवर्स कर्ल ज़रूर ऐड करें अपनी एक्सरसाइज में. और हर एक्सरसाइज के बाद, हर सेट के बाद, अगर पॉसिबल नहीं है हर सेट के बाद, हर एक्सरसाइज के बाद पोजिंग ज़रूर करें अपने बाइसेप में. ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लेके आएँ, ये भी एक की पॉइंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप उसमें ब्लड लेके आओगे ज़्यादा, तो वो ज़्यादा ग्रो करें. ऑफकोर्स लोग यहाँ पोजिंग नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते हैं बाइसेप्स लगाने के बाद, जो कि एक माइनस पॉइंट है. तो आपको बार बार उसमें ब्लड भी लेके आना है. और इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ट्राइसेप पुश डाउन, और ये मैंने वेरिएशन अभी चूज़ करी है न्यू. ऐसे तो मैं इसको लास्ट ईयर से कर रहा हूँ, लेकिन इस प्लान में मैंने इसको ऐड करा है, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आती है मेरे. दिस इज़ मोर लाइक अ किकबैक वेरिएशन, और इसके मैं 12 से 15 रेप्स कर रहा हूँ बैक टू बैक. रेस्ट पीरियड जो है इसमें मेरे सेट्स का है 30 seconds to 60 seconds. इसमें रेस्ट पीरियड बहुत कम है. अगर आप वेट देखोगे, वेट सिर्फ
मैंने दो प्लेट्स चूज़ करी है यहाँ पे, और ये है मेरा क्वाड चेक सेट, इसको आप क्वाड चेक सेट बोल सकते हो, क्योंकि मेरे को हर टाइम देखना होता है कि मेरी लेग्स कैसी रिस्पॉन्ड कर रही हैं एवरी डे, क्या हाई रेप्स या लो रेप्स मेरी लेग्स पे वर्क करते हैं। सो ये मेरी एक हैबिट है अपने क्वाड्स को चेक करना बार बार, प्लीज़ इग्नोर। और इसके मैंने करे हैं 4 sets और 10 to 15 रेपिटेशंस। अगर आप देखोगे मैं स्क्वीज़ कर रहा हूँ ईच एंड एवरी रेप, माइंड मसल कनेक्शन मेरा ट्राइसेप्स पे है पूरा, एंड आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनी अदर मसल ग्रुप। तो ये भी बहुत ही अच्छा सेट लगता है मेरे को, आई लव डूइंग दिस, क्योंकि इससे मेरे ट्राइसेप की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, एंड यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो फाइनल सेट है मेरा क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस का, एंड ये मुझे हैवी जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसकी पोजीशनिंग बता देता हूँ। इसमें मैंने अपनी एल्बोस को स्लाइटली टक्ड इन किया है, और टक्ड इन करने से क्या होता है कि जो टेंशन है वो सारी ट्राइसेप्स पे आती है, ना कि चेस्ट पे, और जब मैं पुश कर रहा हूँ उसको, वो मेरी पाम से पुश कर रहा हूँ ताकि टेंशन वहीं पे रहे, मेरी चेस्ट पे ना। सो 6 to 8 रेप्स में लगाऊंगा इसके, नॉट मैनी रेप्स। एंड थैंक सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मैं फिर से क्वाड चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको देखना है देख लो, इग्नोर करना इग्नोर कर दो। तो आई होप मेरे को आपको ये वाला टिप अच्छा लगा हो जो मैंने आपको बताया। दो एक्सरसाइज मैंने आपको बाइसेप्स की बताई हैं, एंड दो एक्सरसाइजेज मैंने आपको ट्राइसेप्स की बताई हैं, 2 to 3 एक्सरसाइजेज। ये मेरा फिनिशर था जो कि है ओवरहेड केबल रोप केबल ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसके भी मैंने 4 sets करे हैं, एंड क्योंकि मेरे इंजरी है एल्बो पे थोड़ी सी, एज़ आई एम एजिंग ऑफकोर्स थोड़ा कुछ ना कुछ एक्स जॉइंट्स एक्स थोड़े बहुत रहते हैं मेरे, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, जो मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ आपको। एंड ये है मेरी फाइनल एक्सरसाइज, और इसमें भी मैं स्ट्रेच ले रहा हूँ नीचे ऑल द वे डाउन, एंड स्क्वीजिंग ईच रेप एट द टॉप। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, इसको शेयर कर देना गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा आर्म्स ट्रेनिंग का, जो नए लड़के जिम जा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, एंड टेक केयर।